स्पष्ट लिखा गुरु जी ऐसा है, नाश मत करिए। अस्ति कश्चन विद्वान वक्तुम शक्नोति। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जो अनुराधाचार्य जी हैं, जो कथा बाँचते हैं भागवत कथा, वो कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भागवत में राधा का नाम नहीं है, उन लोगों को मैं श्लोक देता हूँ। तो वो श्लोक पढ़ते हैं तो उनके साइड में एक त्रिपाठी जी बैठे होते हैं पंडित, तो वो उन्हें वहीं पे टोक देते हैं और बोलते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, अर्थ का अनर्थ ना करें। तो उन्हें बीच में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। तो मैं तो ऐसे लोगों का नमन करता हूँ कि कम से कम हिम्मत तो दिखाएं कि भाई बीच में टोक के बोल के कि तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। लोगों को ऐसे ही आगे आने चाहिए। मैं लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ, भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है, उद्यतायुध दौर्दंडई राधा वंतो भटान मृधि। राधा वंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा वंत है, आधा वंत है, दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत। गुरु जी, गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। नाश मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ। ना ना गुरु जी, इसका बधू संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधापतियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। अभिधावृत्या लक्षणावृत्या व्यंजनावृत्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति।